आज की इस बेहद ही खास और स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम फिर से एक शानदार यूरोपियन कंट्री बोस्निया एंड हर्जगोविना के बारे में बात करेंगे, जो कि बाल्कन्स में मौजूद एक बेहद ही ज़्यादा कमाल और बेहद ही ज़्यादा मज़ेदार सी कंट्री और बहुत सारे लोग अक्सर इसे बोस्निया के नाम से ही जानते और पहचानते हैं। इस देश की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी तो वैसे दोस्तों सराजेवो है, वहीं अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है बोस्नियन, लेकिन इसके अलावा भी लोग अक्सर आपको काफ़ी सारी दूसरी भाषाओं में बात करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि सर्बियन और क्रोएशियन। बात अगर थोड़ी रिलीजन की करें तो यहाँ पर आपको 51% मुस्लिम, 45% क्रिश्चियन और बाकी अन्य धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे, यानी इस्लाम और क्रिश्चियन ये दोनों धर्म ही दोस्तों इस देश पर पूरी तरह से डोमिनेटेड रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगर बात थोड़ी एरिया की करें तो इस पूरे देश का एरिया 51,129 स्क्वायर किलोमीटर है और इस तरीके से दोस्तों ये पूरी दुनिया का 125वां सबसे बड़ा देश भी बनता है। वहीं इसके टोटल एरिया का 1.4% हिस्सा तो है सिर्फ पानी। बोस्निया की टोटल पॉपुलेशन 33,01,000 को पार कर चुकी है और ये पूरी दुनिया का 135वां देश बनता है सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 69 लोग। बात अगर थोड़ी इसकी डेवलपमेंट की करें तो यार इसका HDI का स्कोर है 0.769 और इस तरीके से ये कंट्री आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग बनती है नंबर 75 की। हालांकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले तो ये काफ़ी ज़्यादा पछड़ा देश है, लेकिन रहन सहन के हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के मुकाबले यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देश है। ड्राइविंग साइड है यहाँ पर राइट और इसके अलावा यहाँ का कॉलिंग कोड है +387। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो पूरे देश में जो चलने वाली करेंसी है वो है बोस्निया हर्जगोविना कन्वर्टेबल मार्क, और आज के दिन यहाँ का एक कन्वर्टेबल मार्क इंडिया के लगभग 45 रुपये और 50 पैसे के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते इस बेहद ही कमाल शानदार और मज़ेदार देश को बिल्कुल करीब से बिल्कुल अंदर से। वीडियो में आखिर तक बने रहना क्योंकि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, तो यार कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। सर्बिया के पास में मौजूद ये देश दोस्तों हमेशा से अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपनी हिस्ट्री के चलते यार काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो सही में किसी का भी यार दिल चुरा सकती है। नेचर का नज़ारा तो आपको हर तरफ यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ की सिटीज़ की बनावट भी बेहद ही ज़्यादा कमाल है। हालाँकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसे पूरे यूरोप का वो देश माना जाता है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर बना रहता है 50 से 70 के बीच में। हालांकि इंडिया की सिटीज़ में तो ये अक्सर 100-200 और सर्दियों में तो 300-400 को भी पार करता है, लेकिन यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर यार हवा कभी भी गंदी देखने को नहीं मिलती और पॉल्यूशन की समस्या इस कॉन्टिनेंट पर कभी नहीं आती, और यूरोप के जिस देश में थोड़ी बहुत ही पॉल्यूशन की समस्या आती भी है वो भी सिर्फ एक यही देश है जो है बोस्निया एंड हर्जगोविना, और यहाँ के अधिकतम शहरों में आपको 60 से 70 का स्कोर देखने को मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में। यहाँ की पहाड़ियाँ, झीलें और वादियाँ यार किसी का भी दिल चुरा सकती हैं, और बहुत सारे लोग तो अभी भी इस देश को यार टूरिज़्म के लिए उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं मानते, लेकिन अगर आप इस देश को घूमेंगे तो आपका खर्चा तो कम आएगा ही, लेकिन नेचर की आपको जो ब्यूटी देखने को मिलेगी, जो मज़ा मिलेगा वो सही में कमाल का होगा। इसके अलावा क्राइम में भी दोस्तों ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और सेफ्टी का यहाँ आपको पूरा प्रबंध देखने को मिलेगा। इस देश का पहनावा, इस देश का कल्चर और इसकी यूनिकनेस आपको पूरी तरह से अपना फैन बना सकती है, और यहाँ की लड़कियाँ दोस्तों कल्चरल ड्रेस में यार कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ये आपको वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि यहाँ की लड़कियाँ वैसे भी यार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फिगर की और बहुत ही ज़्यादा कमाल के फेस वाली होती हैं, और एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ की लड़कियाँ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा अनफेथफुल होती हैं, लेकिन बोस्निया की वुमेन को बहुत ही ज़्यादा फेथफुल माना जाता है, और ये बात दोस्तों सर्विस में सामने आई थी। बात अगर इस देश के लिटरेसी रेट की करें तो ये पहुंच चुका है 96.99% पर, जिसमें से मेल्स का लिटरेसी रेट तो वैसे 99% है, हालांकि फीमेल्स का है 95%, लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद ही ज़्यादा हाई एजुकेटेड कंट्री है।
अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की बात करें तो पिछले 5 से 7 सालों में इसने बहुत अच्छी तरक्की की है। 2016 की ही बात कर लें तो उस समय यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग थी तकरीबन 26%, लेकिन 2019 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है सिर्फ 13.54% के आसपास, यानी तरक्की में ये देश लगातार आगे बढ़ा है। वहीं पूरे देश में आज के दिन पॉवर्टी रेटिंग है सिर्फ 18.56% की, जो यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ के मुकाबले तो आंकड़ा ख़राब है, लेकिन दोस्तों जिस तरह का रुतबा ये देश लेकर चलता है उसके अनुसार ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी लगता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर हम बोस्निया एंड हर्जगोविना की नॉमिनल GDP की बात करें तो ये 21 बिलियन US डॉलर को क्रॉस करती है, और इस तरीके से ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में आती है यार 111 नंबर पर, और यहाँ की GDP ग्रोथ रेट है सिर्फ 3.7% के आसपास। हालांकि पॉपुलेशन कम है तो इसकी नॉमिनल GDP कम रहेगी। यहाँ की 66% GDP सर्विसेज, 26% GDP इंडस्ट्रीज और तकरीबन 8% GDP एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दोस्तों पूरे देश की यार अगर कुछ मेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वह स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ओर इंडस्ट्री, लीड इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और स्पेशली दोस्तों अपने फर्नीचर के लिए ये देश पूरे वर्ल्ड में यार काफ़ी ज़्यादा फेमस माना ही जाता है। बोस्निया ये देश हर साल तकरीबन 6.92 बिलियन US डॉलर का सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स हैं जर्मनी, क्रोएशिया, इटली, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया। और एक्सपोर्ट में अक्सर ये जो सामान बेचता है वो है कार सीट्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसेस्ड फूड और एलुमिनियम। वहीं ये देश हर साल 10.21 बिलियन US डॉलर का सामान खुद के देश में यार इम्पोर्ट भी करवाता है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स हैं जर्मनी, इटली, सर्बिया, क्रोएशिया, चाइना, स्लोवेनिया, रशिया और टर्की। और इम्पोर्ट में अक्सर ये देश लेता है क्रूड ऑयल, ऑटोमोबाइल्स, मोटर ऑयल, कोयल और ब्रिकेट्स। यहाँ के लोगों को दोस्तों हमेशा से ही शांति से रहना बेहद ही ज़्यादा पसंद है, और इसे पूरी दुनिया की एक बेहद ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री के रूप में पूरी दुनिया देखती है। यहाँ के लोगों के अंदर यार आपको लालच बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, और बिल्कुल सिंपल घरों में रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। सिंपल लाइफस्टाइल के साथ ये लोग बेहद ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। यहाँ पर आपको सभी की ब्यूटी बिल्कुल यूनिक तरीके की देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ सर्बियन हैं, बहुत सारी क्रोएशियन और बहुत सारी बोस्नियन लड़कियाँ भी आपको इस देश में देखने को मिलेगी। पूरे देश में दोस्तों हवा बेहद ही ज़्यादा साफ है, और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी यार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव। यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ लगभग 77 साल के आसपास है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के सामने ये आंकड़ा सही में काफ़ी इम्प्रेसिव। तो इस कमाल और खूबसूरत देश के बारे में आपकी यार क्या राय है नीचे कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।